So this is a short revision of a topic named cross drainage work. Cross drainage work. And I'll keep I'll try to keep this as as short as possible. So in an irrigation project, when a canal has to cross cross with you know a river. और स्ट्रीम और नाला इट हैज टू बी यूजुअली अवॉइडेड फॉर सेवरल आई रीजन नॉट हियर. नाउ टू अवॉइड सच सिनारी जहां पर एक कनाल रिवर को क्रॉस कर रही है वी वी कंस्ट्रक्ट क्रॉस ड्रेनेज वर्क नाउ देर आर थ्री टाइप्स थ्री टाइप्स ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क एंड वील डिमार्केट दैम लाइक दिस फर्स्ट वन वो होगा जिसमें कनाल ऊपर एंड ड्रेनेज नीचे इसमें दो केसेस आते हैं जिसे हम बोलते हैं एक्विडक्ट और दूसरे को बोलते हैं साइफन एक्विडक्ट नाउ द फर्स्ट केस इज एक्विडक्ट एक्विडक में कनाल ऊपर होता है लेट अस से दिस इज कनाल दिस इज कनाल बेड दिस इज आर कनाल कैरिंग वाटर लेवल विच इज डिनोटेड बाय एफ एस एल फुल सप्लाई लेवल नाउ फुल सप्लाई लेवल जो है नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में यूज होता है देन वी हैव बीनीट द रिवर दिस इज रिवर बेड जो कि कनाल के नीचे है ऑब्वियसली और जो लेवल ऑफ वाटर इन रिवर है वो कनाल बेड के नीचे है तो डेट मीन्स देट जो लेवल ऑफ रिवर है दिस इज योर रिवर और कैनाल का बेड इसमें एक गैप है जहाँ पे एयर होगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा इन दोनों के बीच में इस सब हाई फ्लड लेवल और कैनाल बेड के नीचे सो so, इस टाइप के क्रॉसिंग को जिसमें कि कनाल बेड लेवल और कैनाल का फुल सप्लाई लेवल रिवर के हाई फ्लड लेवल और रिवर बेड से ऊपर हो तो उसे एक्विडक्ट कहते हैं और वहीं सिमिलर केस है बस थोड़ा एक माइनर डिफरेंस है एक, एक्विडक्ट और साइफन एक्विडक्ट में कनाल तो ऊपर ही रहेगा इन इन दिस बोथ केसेस एक्विडक्ट और साइफन एक्विडक्ट दोनों में ही कनाल तो ऊपर ही रहता है दिस इज आर कनाल दिस इज आर कनाल बेड लेवल सी बी एल दिस इज आर फुल सप्लाई लेवल ऑफ कनाल जो वो लेवल है जो कनाल कैरी करता है नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशंस में मैन बाय नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशंस इट मीन्स कि वो वो कनाल अगर इरीगेशन पर्पज के लिए यूज हो रहा है तो इरीगेशन पर्पज़ को प्रोवाइड करेगा अगर मल्टीपर्पस है तो पावर जनरेशन के लिए भी काम करेगा और तरह तरह के यूज जो भी उसके हो सकते हैं सो दिस इज योर रिवर बेड दिस इज योर रिवर बेड बट दिस टाइम व्हाट हैपेंस इज कि जो रिवर का पानी है हाई फ्लड लेवल ऑफ द रिवर इज अबव योर कनाल बेड लेवल सो वॉट हैपन्स इज अब इस बार रिवर का पानी कनाल बेड के नीचे से एकदम टच करके जाएगा एकदम चूम के निकलेगा कनाल बेड को सो काइंड ऑफ ऑबस्ट्रक्शन हो सकती है रिवर को रिवर के पानी को फ्लो करने के लिए ऑफकोर्स एक ऑबस्ट्रक obstruct, एक ऑब्स्ट्रक्शन सी पैदा हो जाएगी तो वट वी डू इज वी प्रोवाइड डिप्रेशन इन रिवर बेड ताकि एक साइफोनिक एक्शन प्रोवाइड कर सके हम रिवर के वाटर को फ्लो करने के लिए जैसे ही एक डिप्रेशन मिलता है तो वाटर को एक कंपैरेटिवली इजी पाथ मिल जाती है एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है उस प्रेशर की क्रिएशन को साइफोनिक एक्शन बोलते है। हैं इसका नाम साइफोनिक एक्विडक्ट है जहाँ पे साइफोनिक एक्शन से रिवर का जो पानी है वो बिना बहुत ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्ट uh, हुए इजीली फ्लो कर जाता है सो दिस इज साइफन एक्विडक्ट एस वाई दोनों ही एक्विडक्ट और साइफन एक्विडक्ट में कनाल ऊपर ही रहता है कनाल का बेड लेवल ऊपर ही रहेगा रिवर बेड से इट्स ओनली डेट इन साइफन एक्विडक्ट और एच एफ एल इज अब कनाल बेड लेवल वेर इज इन एक्विडक्ट एच एफ एल इज बिलो कनाल बेड लेवल एंड फुल सप्लाई लेवल ऑफ़ कनाल ओके नाउ कम्स द सेकेंड केस फर्स्ट केस हमने देखा था कि कनाल का जो कनाल ऊपर है और ड्रेनेज नीचे है अब जब उल्टा होगा फॉर सम रीजन अगर ड्रेनेज ऊपर है यानी कि रिवर ऊपर से बह रही है और कनाल नीचे कनाल नीचे समथिंग लाइक दिस दिस इज अनेज और रिवर और उसके नीचे हमारा कनाल बह रहा है दिस इज कनाल इट इज ओनली अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जरूरी नहीं है ऐसा ही कुछ हो सो so, इसमें दो केसेस आते हैं द फर्स्ट वन इज सुपर पैसेज सुपर पैसेज जो कि एकदम ऑपोजिट है एक्विडक्ट के इट्स एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ एक्विडक्ट, एंड द अदर वन इज साइफन सुपर पैसेज जो कि एकदम ही अपोजिट ऑपोजिट है एकदम उल्टा है साइफन एक्विडक्ट के

दिस इज आर स्ट्रीम दिस इज आ स्ट्रीम एच एफ एल स्ट्रीम के साथ एच एफ एल लगता है और कैनाल के साथ एफ एस एल लगता है दिस इज आर बीनीथ इट इज द कैनाल रनिंग दीथ इट इज द कनाल और ये कनाल का बेड है सी बी एल और कनाल में पानी जा रहा है दिस इज आर फुल सप्लाई लेवल ऑफ कनाल अगेन हम देख सकते हैं कि गैप है रिवर बेड में और फुल सप्लाई लेवल में सिमिलरली एक्विडक में कनाल के बेड में और एच एफ एल में डिफरेंस गैप था तो so, यहाँ पे पी एटमॉस्फेरिक लग रहा होगा सो so, ये कम्प्लीटली उल्टा है एक के जहां पर कनाल ऊपर होता था और रिवर नीचे होती थी एक सुपर पैसेज में हमारी रिवर ऊपर है और कनाल नीचे है दिस इज आर सुपर पैसेज नाउ लेट्स सी अदर वन डेट इज साइफन सुपर पैसेज सुपर पैसेज और साइफन दिस इज रिवर्स ऑफ रिवर्स ऑफ साइफन एक्विडक्ट और इसमें कनाल का फुल सप्लाई लेवल जो है ऑफ़ कोर्स वो रिवर के कनाल तो ऊपर होगी रिवर से बट यहाँ पे सिमिलर टू समथिंग सिमिलर डेट वी यू नो कुछ वैसा ही हमें मिलेगा अगेन यहाँ पर और कनाल इज सॉरी और रिवर इज अब दिस इज स्ट्रीम स्ट्रीम है तो यहाँ पे एच एफ एल होगा और पानी कनाल का फ्लो कर रहा होगा बट वो रिवर के बेड से ऊपर होगा सॉरी आई गेस मैंने रिवर का बेड ये दिखा दिया है लेट हाँ ठीक है रिवर का बेड ठीक है दिस इज यल नाउ अगेन ये कनाल है और पानी कनाल के पानी को एक तरह की में मिल रही है ड्रेनेज से सो व्हाट वी डू इज ताकि ऑब्स्ट्रक्ट ना करें हम एक डिप्रेशन क्रिएट कर देते हैं कनाल बेड पे, सो so डैट एक साइफोनिक एक्शन प्रोवाइड कर सकें पानी ऐसे ट्रेवल करेगा विद द हेल्प ऑफ दिस डिप्रेशन प्रोवाइडेड एंड एक साइफोनिक एक्शन जनरेट होगा तो प्रेशर से पानी निकल जाएगा रिवर बेड के नीचे से हेयर so यहां पर अलग बात क्या है कि जो फुल सप्लाई लेवल है वो रिवर बेड के ऊपर है ठीक है तो इसमें केस भी अराइज करता है कि वट इज नो एक स्पेशल केस अराइज होता है साइफन एक्विडक्ट में

यू नो गिव सम अपलिफ्ट सीपेज प्रेशर ऑन द कनाल बेड लेवल और अगर इसको बैलेंस करने के लिए कनाल में वाटर ना रहे तो हो सकता है कनाल का बेड फेल कर जाए बट अगर आप क्वेश्चन देखें द मोस्ट सेवियर कंडीशन जो कि इंजीनियरिंग सर्विसेज में आ चुका है इन ई एस सी ट्वेंटी एटीन दे हैड आस्क द मोस्ट सेवियर कंडीशन वॉट इज द मोस्ट सेवियर कंडीशन Of uplift on the floor that occurs in siphon aqueduct. So the options were as follows that canal and drainage are full, of course, usse koi issue nahi hoga. second one was canal runs. And drainage channel is dry, and water table is at stream bed. Third one is canal is dry, drainage floor is. वट एवर एंड एन अदर वन इज कनाल रन फुल सो ऑल दो वन इस क्वेश्चन में शायद आदमी सोचता है कि जस्ट हम पढ़ते ही है कि बस एक जो इम्पॉर्टेंट uh, एस्पेक्ट है साइफन एक्विडक्ट का कि हमें कनाल को कभी एम नहीं रखना चाहिए क्योंकि रिवर नीचे फ्लो कर रहा होता है और उसका एच ऊपर होता है सो so, जो वो सी पे प्रोवाइड कर लगाएगा कनाल के बेड पे तो दैट शुड बी बैलेंस्ड बाय द वेट ऑफ वाटर इन द कनाल फ्लोइंग कनाल कभी भी एम नहीं होना चाहिए तो वर्स्ट केस होना चाहिए कि कनाल इज़ ड्राई एंड द कनाल द वर्स्ट केस वुड बी कन कनाल इज़ ड्राई बट होता ये है कि इवन इफ यू सी एस के गर्ग वहाँ पर उन्होंने दो केसेस दिए हुए हैं डेट इज़ डिज़ाइन ऑफ बॉटम फ्लोर ऑफ साइफिन एक्विडक्ट तो दो कॉजिज्स बताए हुए हैं कि फ्लोर ऑफ साइफन एक्विडक्ट यहां पे ध्यान देने वाली ये चीज है कि जब वो फ्लोर ऑफ साइफन एक्विडक्ट की बात कर रहे होते हैं तो वो बेसिकली रिवर बेड की बात कर रहे होते हैं नॉट कनाल बेड सो दिस इज योर कनाल अबउव इट एंड यहां पे रिवर फ्लो कर रही है तो इफ यू सी द फ्लोर ऑफ दिस साइफन एक्विडक्ट तो दे टॉक अबाउट दिस थिंग सो so, रिवर या ड्रेनेज अगर ड्राई होगी तो जो सीपेज होगा दैट विल इफेक्ट द फ्लोर तो हैंस फॉर द यू नो फ्लोर के फ्लोर को फेलियर से बचाने के लिए कभी भी ड्रेनेज जो है एम नहीं होनी चाहिए दैट इज अगर ड्रेनेज एम हो ड्रेनेज एम हो तो जो सीपेज फोर्स uh, लगता है फ्लोर पे वो डेट विल फेल दिस होल स्ट्रक्चर एज होल हैंस द वर्स्ट केस इन केस ऑफ अ साइफन एक्विडक्ट और द मोस्ट सेवियर कंडीशन ऑफ अपलिफ्ट ऑन द फ्लोर डेट कैन ऑकर इन साइफन एक्विडक्ट वो होगा जब ड्रेनेज जो है आपकी ड्राई है दैट इज दैट वुड बी फोर्थ ऑप्शन दैट इज कनाल रन फुल एंड ड्रेनेज इज ड्राई तो आपका जो फ्लोर है साइफन एक्विडाट का डेट वुड फेल हैट द आस्ट इसी इसी मतलब क्वेश्चन में उन्होंने पूछा होता कि मोस्ट सीवियर कंडीशन इन साइफन एक्विडाक्ट नॉट ऑन द फ्लोर बट ऑन द कनाल बेड लेवल तो तब हम कह सकते थे कि उस केस में कनाल कभी भी ड्राई नहीं रहना चाहिए बट इफ इट्स आस्ट फॉर द फ्लोर दैन वी वील हैव टू सी द फ्लोर Beneath this whole this structure that is floor of the river bed. And this ka correct answer is drainage is dry and canal runs full.